अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ जनाब ये चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ। 2 kg मैंने जो है ये चिकन लिया है। तकरीबन 1 गिलास जो है हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, ठीक है जनाब। और इसमें ये साबुत लहसुन डालेंगे हम। 1 गट्ठा जो है मैंने छील लिया था। साबुत हरी मिर्च ऐड करेंगे। और जनाब ये तकरीबन जो है 5 मैंने टमाटर लिए हैं और उनको हाफ कट लगा लिया। पहले मैंने इनको छील लिया था, ठीक हो गया। और तकरीबन 8 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे। आइए जनाब अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बिल्कुल ही टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं। लहसुन भी जो हमने डाला था गल चुके हैं। इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और फ्लेम जो है थोड़ी सी हम हाई कर लेंगे, फुल हाई फ्लेम कर लेंगे ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। क्योंकि ये देसी चिकन था तो इसलिए जो है तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए अभी भी माशाल्लाह पानी वैसे का वैसे है। और जनाब इसको अब हमने हाई फ्लेम पे खुश्क कर लेना है। अब कवर किए बगैर हम हाई फ्लेम पे जो है ये पानी खुश्क कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही जूसी कढ़ाई जो है हमारी रेडी होगी। साथ साथ ये पानी भी इसका खुश्क हो रहा है। और ये जनाब कुछ मसाले ऐड करेंगे, ये लाल मिर्च, ठीक है जनाब। ये 2 kg गोश्त था तो मैंने ये वाली मेजरमेंट ली है। ये इसका जो मेजरमेंट का ये पूरा मैंने डाला है चम्मच। ये 1 चम्मच भर के इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। ये जो है ये तकरीबन छोटे जो है ये तकरीबन इसमें 2 चम्मच आएंगे, ठीक है। इसकी ये वाली मेजरमेंट है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं जनाब। ये साल्ट डालेंगे हसबे जायका मैं डाल दूँ। ये तकरीबन जो है ये छोटे साइज़ के 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं क्योंकि ये 2 kg गोश्त है तो 2 चम्मच मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है। 8 से 10 दाने ये ब्लैक पेपर, 1 अदद ये बड़ी इलायची। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक जो है तकरीबन जो है ये गल चुका है। ये देखें ये जो हड्डी से अलग हो रही है बोटी। अब ये पानी खुश्क होते ही अब हम इसको तड़का लगाएंगे। 1/2 टीस्पून जो है ये हल्दी पाउडर। ये देखें जनाब अब इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क होते हुए भी तकरीबन 10 मिनट लगे थे हमें और कवर करने में भी जब हमने गोश्त को कवर करके दम लगाया था तब भी 10 मिनट का टाइम लगा था। ये देखें जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ये बड़ा ये जो चम्मच है मैंने 1 भर के डाला है और 1 और डालूँगी। ये 2 चम्मच इसमें जो है ऑयल काफ़ी रहेगा। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी के साथ इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है जनाब। अब हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है और फ्राई कर लेना है। ये देखें जनाब मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली और माशाल्लाह से ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद मैं इसमें ये 1 प्याली जो है ये दही शामिल करूँगी। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगेंगे इसका पानी खुश्क होगा दही का। ये देखिए जनाब दही ने अपना पानी छोड़ा है और ये इसको हमने अच्छी तरह से खुश्क कर रहे हैं। जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक हमने इसको लो फ्लेम पे पकने देना है, ठीक है जनाब। ये देखिए जनाब बिल्कुल दही खुश्क हो गया है और कढ़ाई हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर जो है जनाब ये हरा धनिया डालेंगे। वाह जी वाह, बहुत ही मज़े की लजीज और जो है टेस्टी ये हरी मिर्च, ठीक है जनाब। ये देखें अब जो है मज़ा आएगा, इसका टेस्ट आएगा खाने में
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स और कमेंट कीजिएगा। जो है ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा जनाब।